नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आरके जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में बूथ लेवल पर जीत हासिल करने की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर किया गया। इस मौके पर आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल ने जनमत की पुकार को बताया कि इस प्रकार की बैठक जिले की सभी विधानसभाओं आदर्श नगर, वजीरपुर, शालीमार बाग, त्रिनगर व शकुर बस्ती के तहत आने वाले सभी ब्लॉक व वार्ड में आयोजित किए जाएंगे। यहां के लगभग 800 बूथों में मेरा बूथ सबसे मजबूत थीम के तहत बैठक का आयोजन होगा। इस क्रम में संगठन की मजबूती का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बूथ पर 20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी, जिनका चयन ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव पर होगा। टीम के प्रत्येक सक्रिय कार्यकर्ता को बूथ के अंतर्गत आने वाले 15 से 20 घरों की जिम्मेदारी दी जाएगी। टीम का प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर घर घर जाकर स्थानीय लोगों से मिलकर कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों व पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी की नाकामियों की जानकारी लोगों को देंगे, जिससे निगम चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जा सकेगा। हरिकिशन जिंदल ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा है और उन्हें पूरी ताकत दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा हर बूथ पर वरिष्ठ कांग्रेसियों, RWA, NGO, धार्मिक संस्थाओं और बूथ के प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे व इलाके की मुख्य समस्याओं के बारे में फॉर्म भरकर जानकारी एकत्रित की जाएगी और वह जानकारी ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिला व प्रदेश तक पहुंचाई जाएगी, जिसके आधार पर पार्टी द्वारा लोकल मैनिफेस्टो तैयार किया जा सकेगा। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर कांग्रेस आज जिले ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई है ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, और हमारे साथ बैठे हैं खुद जिलाध्यक्ष हरिकिशन जिंदल साहब। क्या सर निर्णय हुआ सर इस मीटिंग में? सर, आज हमारे सारे तमाम सीनियर साथी जिले के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे यहाँ पे उपस्थित थे और सबको हम लोगों ने आज बताया है कि उनको फॉर्म दिए हैं कि आप अपने बूथ पे जाकर बूथों की लिस्ट कंपाइल कर जो बढ़ाएँ उसको, और जो लोग हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं बूथ के ऊपर, उनको जोड़ें, जो वहाँ RWA के हैं, जो वहाँ पर और जो संस्थाएँ हैं उनको हम उसमें जोड़ें, वहाँ की समस्याएं लिखें, कांग्रेस ने क्या काम किया है अपने सरकार के टाइम पे, हमारे विधायकों ने, हमारे काउंसलरों ने, वो उसमें जोड़ें, ताकि हम पूरा एक डाटा तैयार करके और बूथ वाइज एक मैनिफेस्टो बनाने का हम ऐसा निवेदन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से करेंगे कि आप बूथ वाइज हम मैनिफेस्टो बनाएं और जो भी पार्टी कैंडिडेट देगी उसको हम दे करके और उसको हम चुनाव में जाएंगे। हमारे पास करीब करीब 800 के करीब बूथ हैं हमारे जिले में, और 800 की 800 मीटिंग यहाँ पर अब शुरू करेंगे और वो आज से ही हम शुरू कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं जब लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर, पानी की तो बहुत अहम समस्या है आपके दिन, भरा हुआ जल भराव की समस्या, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों की पेंशन नहीं बन रही, लोग तराई तराई कर रहे हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को महंगाई है, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, कोरोना में जिस तरह से डेथ हुई हैं, कोरोना में जिस तरह से इलाज नहीं मिला, इन समस्याओं को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। जहां झुकी वहीं मकान को लेकर सत्येंद्र जैन अब केंद्र पर हमला बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें नहीं करने दे रही। देखिए, ये दोनों झूठे हैं, महाझूठे के साथ साथ ये महाठग भी हैं। इन्होंने दिल्ली और देश की जनता को ठगा है, और अब दिल्ली को छोड़ करके ये बिहार और उत्तराखंड, राजस्थान, ये BJP की बी टीम है केजरीवाल साहब। अब ये क्या कर रहे हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। तो दिल्ली के लोग इतने पागल नहीं हैं। कांग्रेस ने झुग्गी वालों के लिए मकान बनाए थे, हमारे वजीरपुर में हरिशंकर गुप्ता जी थे, उन्होंने 1600 मकान बनकर तैयार खड़े हुए, क्यों नहीं उनको अलॉट करते? अब ये कह रहे हैं उनको किराए पर देंगे। गरीब लोगों के लिए मकान बनाए, गरीब लोगों को झुग्गी वालों को मकान देने थे, उनको मकान को छोड़कर आप किराए की स्कीम ले आए, क्यों भाई? आप मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच रहे हैं मोदी जी, क्यों? कहाँ है हमारा पैसा? दिल्ली का जो डेवलपमेंट का जो हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा, वो डेवलपमेंट में क्यों नहीं लगाते आप? क्या है हॉस्पिटलों की हालत, क्या है स्कूलों की हालत, क्या है सड़कों की हालत?
कांग्रेस ने जो आज तक दिल्ली का विकास किया है, कांग्रेस ने फ्लाईओवर बनाए हैं, कांग्रेस मेट्रो लेकर के आई, कांग्रेस ने हॉस्पिटल्स बनाए, कांग्रेस ने कॉलेजेस बनाए, कहां कर रहे हैं? ये सिर्फ विज्ञापन देते हैं, कुछ भी नहीं करा। और दिल्ली के लोग अब समझ रहे हैं इनकी भावनाओं को, किस तरह से इन लोगों ने दिल्ली की और देश की जनता को गुमराह किया है। और लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली का विकास और दिल्ली का डेवलपमेंट और दिल्ली में गरीब लोगों को अगर किसी ने मदद करी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में जिस तरह से हमारे साथी पूरी ताकत के साथ जा रहे हैं, मजबूती के साथ, और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम कॉरपोरेशन के चुनाव में जीत करके आएंगे। आज मेरा बूथ सबसे मजबूत चर्चा हुई, और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा हम वोट किस भी विभाग पे मांगे, हर वार्ड की हर समस्याएं, गांव की समस्या अलग है, कॉलोनी की समस्या अलग है, पूर्ण जो हमारी विकसित कॉलोनियाँ उनकी अलग हैं, पोस्ट एरिया हमारा जो सबसे ज़्यादा पड़ता है तो उनकी समस्या अलग है, वहाँ पार्किंग की समस्या है, हमारी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पार्कों की समस्या, पानी की समस्या है, हमारे गांव की समस्या है, वहाँ कूड़े को ढेर लगा हुआ चारों तरफ, वहाँ की समस्या अलग है। तो हम वोट किस लिए मांगे? आम आदमी और बीजेपी, ये दोनों झूठ बोल के सत्ता की राजनीति की, इन दोनों ने, एक ने कहा मैं पानी फ्री दे दूंगा, बिजली हाफ कर दूंगा, ना पानी हाफ करना, बिजली माफ कर इसमें, दूसरा कहता है मैं 1,500,000 रुपये डाल दूंगा अकाउंट में, 1 करोड़ नौकरी दूंगा साल की, ना तो उसने 1 करोड़ नौकरी दी और 1,500,000 रुपये अकाउंट में डाले। ये झूठ की राजनीति करते हैं, चाचा भतीजे दोनों झूठ बोलते हैं, आज अभी कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोल देंगे। तो हम जमीन पर बैठ करके बात करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी का वर्कर है, कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं करी। आज दिल्ली के अंदर हर जगह पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कहता है दिल्ली में कोने कोने में पानी भेज दूंगा, ये हकीकत है, 3-3 फुट पानी दिल्ली के अंदर भरा हुआ है, वहाँ नावें चल रही, हकीकत है पानी चला गया। पर इन्होंने आज तक जो शीला जी ने काम किए उन पर सफेदी नहीं कर पाए लोग, उन पर मेंटेनेंस नहीं कर पाए उन लोगों, कोई स्कूल नया नहीं खोला इन्होंने, कोई हॉस्पिटल नहीं खोला इन्होंने, कोरोना काल के अंदर कोई पार्टी नहीं दिखाई थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो गरीबों की सेवा कर रही थी। दिल्ली प्रदेश आने हमारे अनिल चौधरी जी रोड पर होते थे, जिला अध्यक्ष जी हमारे रोड पर होते थे कोरोना काल के अंदर, कोई अन्य और कोई पार्टी दिखा बताओ हमारे को। तो इस आधार में हम लोगों के पास जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके जो भी समस्या उनका हल करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है गरीबों की पार्टी ने गरीबों का विकास किया, गरीबों जो फ्लैट दिए कांग्रेस पार्टी ने, 40,000 फ्लैट आज बने हुए उन पर आम आदमी वोट बीजेपी ने ताला लगवा दिया, उनको आज तक फ्लैट नहीं दे पाए 6 साल के अंदर। तो हमारा ये कि हम उनकी समस्या सुनेंगे, वो हमारे को वोट तब देंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या नाम है, कौन से ब्लॉक से आए हैं? मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं अशोक विहार वार्ड से आया हूँ। क्या मीटिंग में रहा? मीटिंग में हम आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी आज स्टार्ट हो चुकी है, बिगुल बच चुका है हमारा, और मीटिंग में यही निर्धारित किया कि आगे के दिशा निर्देश कि किस तरीके से हमें कहाँ जाना है। हम एक बूथ लेवल पे जाके बूथ से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि एक बेसिक लेवल वहीं से स्टार्ट होता है। तो बूथ पे जो प्राइमरी हमारे पुराने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, हमारे बने हुए बहुत सारी जगहों पर, कुछ जगहों में हमने लिस्ट अपडेट करनी है, जैसे कोरोना काल में कुछ की डेथ हुई, तो और जो नए वहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि दो पार्टियों से नूरा कश्ती के चक्कर में दिल्ली परेशान हो रही है, तो जो नए कुछ लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उनकी समस्या को, हर बूथ की अपनी अलग समस्या है, क्योंकि दिल्ली एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सिटी है, तो यहाँ पे गाँव की अलग प्रॉब्लम है, अनर्गत कॉलोनियों की अलग प्रॉब्लम है, फ्लैट्स की अलग प्रॉब्लम है, कोठियों की अलग प्रॉब्लम है, तो हर जगह की अलग अलग प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को हर वार्ड वाइज, हर बूथ वाइज हम कंपाइल करेंगे, और जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में उन सारी चीज़ों के साथ, इन सारी सामग्री के साथ डिटेल्स में हम जाएंगे इलेक्शन में। सत्येंद्र जैन ही नहीं, केजरीवाल जी बोल रहे थे पूरे दिल्ली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। स्विट्जरलैंड तो बन गया, लेकिन सिर्फ पानी की वजह से बन गया, उसमें नावें चलने लगी है। देखिए, दिल्ली का बड़ा दुर्भाग्य है, कई लोगों ने 5-7 साल कुछ काम नहीं किया, 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी फ्री, लेकिन ये लोग भूल गए कि एक 200 यूनिट का मतलब 400 रुपये एक बिजली को देने से उन्होंने अपने व्यापार का हजारों रुपये का नुकसान किया है। इससे तो 400 रुपये दे के अगर आपको 20,000 रुपये महीना आपको रोज़गार मिलता वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये बहकावे में बहुत लोग दिल्ली के आ लिए। अब जो हमारा जग जागरण अभियान शुरू हुआ है उसका यही एजेंडा है कि जो लोग बहक गए थे उनको जगाना है, बताना है कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने, केजरीवाल ने क्या काम किया है। जो आपको बहकाया गया, आपको आईवास किया गया, आप जागिए, 200 बिजली में और पानी में कुछ नहीं है, रोज़गार मांगिए, काम मांगिए,
एक राजीव रतन योजना थी, शीला दीक्षित ने बवाना में करीब 6,000 फ्लैट बन के तैयार है, वो सब फ्लैट बिल्डिंगें टूटने लगी, खिड़कियां चोरी होगी, फ्लैट अलाटमेंट तक नहीं कर पाई गवर्नमेंट, राजीव रतन प्लाट। तो इस सरकार की वादों की सरकार है। आज को RTI में पता लगा है कि 1 करोड़ रुपया डेली का एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हो रहा है, 1.20 करोड़ रुपये। तो ऐड से ही काम नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। अब हम लोगों को जो प्रोग्राम दिया कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष हरीश सिंह जिंदल जी ने, बूथ वाइज, ये बूथ वाइज सर्विस हमारी पहले भी थी, हमने पहले भी ये काम किए हैं। इस बार जो लोग बहक गए थे उनको जगाना है और आगे भगवान सब देखेगा। जागरूक काफ़ी अपना आप हम तो जो कर पा रहे हैं, लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं। लोग महंगाई देख रहे हैं, बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, तो लोग अपने आप जागरूक हो रहे हैं। हम उनका सहयोग कर रहे हैं जागरूक करने में। इस देश की जनता अपने आप जागरूक हो रही है, अपने आप किसी को भी कार कहते हैं, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार काट की हांडी चढ़ चुकी है, उसमें आग लग चुकी है। अब लोग हिंदुस्तान के, खासतौर से दिल्ली के लोग बहुत जागरूक हैं। धन्यवाद। संगठन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आज जो हमारा जिला है वो निसंदेह एक धुरी है हम लोगों को, जो बांधता है सब ब्लॉकों को। तो आज जिलाध्यक्ष जी की तरफ से आदेश हुआ कि हम लोग दोबारा पुनः बूथ पे जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। वर्तमान जो हमारा बूथ कमेटियां हैं उनको हम लोग एक तरीके से रिव्यू करेंगे और जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं उनका आकलन करेंगे और एक जो पर्सनल मैनिफेस्टो होगा हमारे वार्ड का, जिसको आप ब्लॉक पे भी कहते हैं, हम लोग तैयार करेंगे और कांग्रेस को पुनः धरातल पर मजबूत करने का कार्य करेंगे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस भूल गए दिल्ली वाले। मैं वजीरपुर ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष गिरीश जैन। कांग्रेस को कोई भूल नहीं सकता जी, ये आप कह सकते हैं, मीडिया वाले कह सकते हैं कि कांग्रेस को भूल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की इतनी जड़ें मजबूत हैं कि इसको भूलना नामुमकिन ही है। मुमकिन तो छोड़ दो, नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस ने इतिहास गवाह है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो देश को दिया है, सब कुछ अपनी विचारधारा से ऐसा समर्पण दिया है कि आज माना वक्त थोड़ा ख़राब है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, उनको मालूम है। और लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि आज लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस लौट के फिर से आए, और कांग्रेस लौटेगी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से वापसी करेगी, ये सब आप ही देखेंगे। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।